आमतौर पर शांत कहे जाने वाले जैसलमेर शहर में आज भरे बाजार में दो गुटों की झड़प हुई। उसके बाद एक युवक द्वारा काफी देर तक बाजार में नंगी तलवार लहराने से लोगों में दहशत का माहौल हो गया। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस के आने के बाद भी युवक राकेश काफी देर तक पुलिस के सामने भी तलवार लहराता रहा। काफी मशक के बाद पुलिस ने युवक को दबोचा तो लोगों ने राहत की सांस ली। युवक खुद भी खून से लथपथ नजर आ रहा था। जानकारी के अनुसार स्थानीय गड़ीसर रोड पर एक युवक राकेश जा रहा था कि अचानक एक कार में सवार 4-5 लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे युवक को काफी चोट आई। सूचना मिली थी, पुलिस को तत्काल सूचना थी और दो व्यक्ति बाजार के अंदर लड़ रहे हैं आपस में। पुलिस पहुंची, तत्काल पहुंची तो एक जो थाने का हिस्ट्री सीटर जी था राकेश, जो हिस्ट्री सीटर है उसके हाथ में तलवार थी, बिल्कुल ही उग्र प्रदर्शन टाइप दोनों आपस में कर रहे थे। उसको तत्काल ही पुलिस ने पकड़ा और दस्तयाब किया, क्योंकि उसके थोड़ी सी कोई चोट वोट के सचिन लग रही थी, सीधे हॉस्पिटल लेके गए उसको और हॉस्पिटल ले जाके अभी उसको जो भी उसका मेडिकल करा के विधि सम्मत कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, क्योंकि तलवार मिली है तो उसके हिसाब से लीगली एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा। दूसरा जो व्यक्ति था महिपाल, ये दोनों व्यक्ति यहीं के हैं, जैसलमेर के हैं, तो महिपाल के पीछे भी लगातार पुलिस 2-3 पार्टियां गई हैं और मोटरसाइकिलों से भी पीछा किया जा रहा है, तो उसको भी शीघ्र पकड़ के दस्तयाब किया जाएगा। क्योंकि ये झगड़ा, ये प्रदर्शन आपस में दोनों का झगड़ा बाजार में चल रहा है और बाजार में हो रहा है, शराब भी पी रखी बताते हैं, इस बारे में भी जानकारी जुटाने के लिए SHO को कहा है कि उसका मेडिकल कराते हैं, वास्तव में शराब में है और झगड़ा कर रहे हैं, और जो भी कार्रवाई करनी है हिस्ट्री सेटर होने के नाते अगर वास्तविक पाबंद होता है तो उसके ऊपर और अग्रिम कार्रवाई क्या हो सकती है, और तुम जब तलवार मिली है तो भी उसको किस हिसाब से बुक किया जा सकता है, तो इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के लिए SHO को निर्देशित कर दिया गया। हमले के बाद कार सवार हमलावर फरार हो गए। घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद युवक बदला लेने के लिए कहीं से तलवार लेकर आया और बीच बाजार में तलवार लहराने लगा, जिससे पुलिस ने उसे दबोच लिया। पंजाब केसरी के लिए जैसलमेर से गणपत ढैया की रिपोर्ट।